में जियो वर्सेस एयरटेल स्पीड टेस्ट चलाने वाला हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं क्या एयरटेल के मुकाबले जियो फास्ट है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने जियो 5 से मेरा लेनोवो K6 पावर कनेक्ट किया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे एयरटेल में, सॉरी, मेरे जी मोटो जी 5 प्लस में मैंने एयरटेल का 4G लिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर एयरटेल 4G है। तो यहाँ पर मैं दोनों के बीच में स्पीड टेस्ट चलाने वाला हूँ। तो पहला मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देता हूँ, वहाँ पर एक वेबसाइट में जाता हूँ जिसका नाम है fast.com। वहाँ पर देखते हैं कैसा स्पीड है दोनों का। तो यहाँ पर मैं क्रोम ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर दोनों में बुकमार्क है, तो यहाँ पर मैं दोनों एक साथ टैप करता हूँ। तो देखते हैं कौन, यहाँ पर जियो पहले से शुरू हो चुका है, एयरटेल धीरे, ओके यहाँ पर एयरटेल भी आ गया है। तो यहाँ पर मेरा जियो का स्पीड काफ़ी कम है, फिर भी देखते हैं, एयरटेल में कुछ आया ही नहीं है। यहाँ पर 190 kbps में जा रहा है, कि यहाँ पर एयरटेल 1.3 Mbps, 2.4 Mbps, यहाँ पर जियो 250 Mbps स्पीड में जा रहा है, क्या हुआ पता नहीं। तो यहाँ पर मुझे 270 kbps ही मिला है। यहाँ पर एयरटेल देखा जाए तो 3.7 Mbps, 3.6 Mbps में जा रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे विनर लग रहा है एयरटेल ही है। यहाँ पर एंड रिजल्ट नहीं आया, एंड रिजल्ट आके देखते हैं। तो यहाँ पर एंड रिजल्ट 2.7 Mbps आया हुआ है। तो और एक बार मैं टेस्ट करके देखता हूँ, तो यहाँ पर और एक बार मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं, और दोनों में शुरू नहीं हुआ है, ओके। यहाँ पर 3.8 kbps, 210 kbps वैसे स्पीड में जा रहा है, इससे ज़्यादा ही नहीं जा रहा, क्या हुआ पता नहीं है। मेरे यहाँ पर जियो का स्पीड बहुत ही कम है, यहाँ पर एयरटेल में शुरू ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 210 kbps, यहाँ तो एयरटेल कुछ शुरू ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 4G नेटवर्क बदल के H आ चुका है, इसलिए शायद नहीं आ रहा है। 38 kbps, यहाँ पर जियो में क्या है, मतलब ये 4G नेटवर्क में रहता है, लेकिन ये एयरटेल में 3G, 2G और 4G नेटवर्क में बदलते रहता है, इसलिए स्पीड ओके। यहाँ पर इस बार 210 kbps जियो में आया है और एयरटेल में 55 kbps। तो ये टेस्ट से कुछ हो नहीं रहा है ठीक से। तो यहाँ पर मैं YouTube एक का वीडियो चला के देखता हूँ, कौन बिना स्ट्रीम का चलाता है, देखते हैं। टेस्ट जो मैं चलाने वाला हूँ यहाँ पर YouTube ऐप में, जैसे कि आप क्लियरली विनर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ठीक से रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर पहला तो एयरटेल जीत गया स्पीड टेस्ट में fast.com में जाके, फिर उसके बाद देखा जाए तो जियो जीत गया बात बोल नहीं सकते हैं, फिर भी 250 kbps में आया, यहाँ पर एयरटेल 50 kbps में आया, लेकिन वहाँ पर ठीक से डिटरमाइन नहीं कर पाया कि कौन सा ज़्यादा अच्छा स्पीड देता है। तो यहाँ पर मैं YouTube में कोई एक वीडियो चला के देखता हूँ, उसमें कैसा ये परफॉर्मेंस कर रहा है, देखते हैं। यहाँ पर इस तरह, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जियो है, यहाँ पर एयरटेल है, तो यहाँ पर मैं NCS का एक चैनल लिया हूँ, तो यहाँ पर दोनों भी स्पीड कम है मेरे यहाँ पर। तो यहाँ पर जियो का लोड हो चुका है, एयरटेल अभी भी लोड हो रहा है। तो यहाँ पर वीडियोस में जाता हूँ, एयरटेल लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एच से 4G, ओके 4G आ गया है। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा स्पीड में बिना स्ट्रीमिंग का चलाता है, देखते हैं, कौन फास्ट स्टार्ट करता है, देखते हैं। दोनों ने अभी, तो यहाँ पर एक तो अभी भी दोनों में बहुत ही स्पीड कम है, ओके जियो फास्ट ओके स्टार्ट हो गया, एयरटेल अभी भी स्ट्रीम करते रह रहा है।
तो यहाँ पर एयरटेल में पूरा स्ट्रीमिंग आ रहा है, यहाँ पर जियो बिना स्ट्रीमिंग का चल रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली विनर आप देख सकते हैं जियो ही है, क्योंकि बिना स्ट्रीम का वीडियो चला रहा है, लेकिन एयरटेल में देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रीम होते जा रहा है, उसके बाद चला रहा है, तभी भी स्ट्रीम हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली आराम से आप देख सकते हैं जियो जीत गया है। अब यहाँ पर तीसरा जो टेस्ट करने वाला हूँ, यहाँ पर एक वेबसाइट लेके दिखाता हूँ मैं, news.com वाला वेबसाइट, वो काफ़ी इंटेंसिव वेबसाइट है, वहाँ पर देखते हैं कौन ज़्यादा फास्ट लोड करता है। यहाँ पर ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर मैं news.com टाइप करता हूँ, NEWS news.com यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर मैं भी news.com यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं दोनों को एक साथ मैं क्लिक करता हूँ, कौन फास्ट ये वेबसाइट लोड करता है देखते हैं। तो यहाँ पर जियो ने फास्ट जल्दी लोड कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं एयरटेल थोड़ा स्लो है, यहाँ पर जियो पूरा वेबसाइट लोड कर दिया है देख सकते हैं यहाँ, लेकिन अभी तक जियो वेबसाइट अभी तक लोड नहीं किया है। तो यहाँ पर यूट्यूब में और वेबसाइट लोडिंग में भी जियो ही जीत गया, लेकिन यहाँ पर एयरटेल में अभी तक कोई कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर एयरटेल आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर मैं दोनों डेस्कटॉप में, यहाँ पर आया नहीं अभी तक, यहाँ पर मैं डेस्कटॉप साइट में करके दिखाता हूँ news.com का डेस्कटॉप वर्जन। तो यहाँ पर मैं दोनों में क्लिक कर रहा हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन भी आ चुका है जियो में। जियो काफ़ी फास्ट है, स्पीड टेस्ट में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत स्लो दिखा रहा था, लेकिन वेबसाइट लोडिंग और यूट्यूब में बहुत अच्छा से परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं एयरटेल अभी तक लोड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर यह था एक छोटा सा स्पीड टेस्ट एयरटेल वर्सेस जियो का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।